नए साल के जश्न के लिए लोगों ने पहाड़ों का रुख कर लिया है। पर्यटकों की भारी भीड़ हिमाचल प्रदेश में पहुंच रही है। हजारों की तादाद में सड़कों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है, जो किसी सैलाब से कम नहीं दिखती। जहां एक साथ इतने सैलानी पहुंचने से पहाड़ी इलाके गुलजार हो गए, तो वहीं जगह जगह लंबा जाम भी लग गया, जिसमें घंटों तक लोग फंसे रहे। कई जगह सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दी। असल में क्रिसमस के जश्न के लिए भारी संख्या में लोग हिमाचल पहुंचे। हिमाचल की अलग अलग जगह से जो तस्वीरें सामने आई है, इतनी भीड़ दिखाई दी कि सड़क पर पैर रखने की जगह तक नहीं बची। मनाली हो, कुल्लू हो, शिमला या लाहौल स्पीति, सभी जगह एक जैसा हाल है। सभी जगह पर्यटकों की भारी भीड़ है। जैसे जैसे नया साल पास आ रहा है, हिमाचल में सैलानियों की भीड़ भी और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। जश्न मनाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन परेशान भी हुए। लंबी लाइनें देखने को मिली, जाम से लोगों को दो चार होना पड़ा, और जो पहुंच गए शहर तक, उन्होंने अपने आप को खुशनसीब समझा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य में 24 घंटे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खुले रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि अगर कोई सैलानी नशे में हो तो पुलिस उसे हवालात में नहीं डालेगी, बल्कि उसे होटल तक पहुंचाया जाएगा। इस बीच उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा सिर्फ पर्यटकों के साथ होगा। उन्होंने पर्यटकों से कानून का पालन करने की भी अपील की है। दिसंबर से 5 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश के जितने भी ईटिंग ज्वाइंट्स है, यानी कि अपनी मर्जी से वो पूरा दिन रात खुले रह सकते हैं। कोई 11 बजे के बाद कोई पुलिस वाला उनको तंग नहीं करेगा, कोई 1 बजे के बाद उनको पुलिस वाला तंग नहीं करेगा, वो खुले रह सकते हैं। क्योंकि पर्यटक जब यहाँ आता है, वो हमारा अतिथि है, उसका आवभाव करना हमारा फर्ज बनता है। और मैंने ये भी दिशा निर्देश दिए है, अगर किसी पर्यटक कहीं ज्यादा झूम गया तो उसे पुलिस थाने में नहीं डालना है, उसे उसके घर में उसको उसके घर में और या होटल में छोड़ देना है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में विंटर कार्निवल में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। विंटर कार्निवल का एक ड्रोन से लिया गया वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोग कार्निवल का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। भीड़ ज्यादा होने की वजह से हिमाचल प्रदेश अब ड्रोन की मदद से निगरानी कर रहा है। असल में क्रिसमस पर एक साथ 3 छुट्टियां होने से कुल्लू, मनाली, शिमला में अचानक से सैलानियों की संख्या बढ़ गई। हालांकि नए साल पर हिमाचल में और ज्यादा सैलानियों के पहुंचने का अनुमान भी है। तो हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच हिमाचल प्रदेश से भीषण जाम की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें हजारों गाड़ियां पहाड़ों पर रेंगती हुई नजर आई। अटल टनल रोहतांगला पर भारी ट्रैफिक जाम से हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। कई कई किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। कई जगह तो लंबा जाम होने की वजह से पर्यटकों को गाड़ी में रात काटनी पड़ी। हालांकि कुल्लू में ट्रैफिक से बचने के लिए 400 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जानकारी के मुताबिक 2 दिनों में पहुंचे 35,000 से ज्यादा पर्यटकों से भरी गाड़ियां कुल्लू पहुंची। टूरिस्ट की सेफर मोबिलिटी के लिए जो है, हमने 3 रिजर्व पुलिस की अलग से बुलवाई हुई है। जिन 3 रिजर्व में से हाफ रिजर्व जो है हमने तीर्थन वैली बंजार के लिए भेजी है, 1 रिजर्व जो है हमारी वो पार्वती वैली मणिकर्ण कसोल के एरिया में है, और 1.5 रिजर्व जो है हमने वो मनाली के लिए भेजी हुई है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को देखने के लिए हमारे ट्रैफिक विंग जो ऑलरेडी चले हुए हैं वो भी देख रहे हैं। ये हाल सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी क्रिसमस के मौके पर पर्यटकों की भारी भीड़ लग गई, और उसकी वजह से अटल टनल में लंबा जाम लग गया और हजारों लोग घंटों तक वहां फंसे रहे। इसका जो वीडियो सामने आया, उसमें गाड़ियों की लंबी लाइन लगी नजर आई, और गाड़ियों की उस लाइन को देखकर ऐसा लगा मानो वो घंटों से वहीं खड़ी हुई है। क्योंकि अटल टनल में जो गाड़ियां पीछे की तरफ खड़ी थी, उनमें बैठे लोगों ने तो अपनी गाड़ियां ही बंद कर दी, क्योंकि कई घंटों से वो एक ही जगह खड़े हुए थे। वहां की पुलिस के मुताबिक कुल्लू में एक दिन में 12,000 से ज्यादा गाड़ियों में करीब 65,000 लोगों ने एंट्री की, और उसी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और लोग घंटों तक एक ही जगह फंसे रहे। ऐसे में वहां की पुलिस भी ड्रोन के जरिए वहां आने वाली गाड़ियों की निगरानी कर रही है।
वहीं मनाली में भी शिमला और कुल्लू जैसा ही नजारा दिखाई दिया। मनाली के मॉल रोड पर तो लोगों का हुजूम दिखाई दिया। मनाली में इन दिनों काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लंबा जाम पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यही वजह है कि ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मनाली में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। नगरी मनाली जिसे पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक कहा जाता है, एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो चुके। काफी संख्या में पर्यटक जो है कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं। इसमें मैं खड़ा हूं मनाली के मोरोड पे और सबसे पहले यहां की कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए किस तरह जो है मनाली का मोरोड यहां पर जो है पर्यटकों से गुलजार हो चुका और काफी संख्या में पर्यटक यहां पर जो है पहुंच रहे हैं। अगर मैं बात करूं बीते कल 24 दिसंबर से आज 25 दिसंबर तो करीब 28,000 के करीब जो है वाहन आज अटल टनल रोहतांग से जो है आर पार हो चुके और अभी जो है पर्यटक काफी संख्या में यहाँ पर जो है लगातार आते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ जिस तरह जो क्रिसमस का त्यौहार है और ऐसे में काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंच चुके और अब जो है न्यू ईयर भी आने वाला है तो कहीं ना कहीं मनाली के होटलों की अगर मैं बात करूँ तो मनाली के होटल लगभग जो है 90% के करीब जो इसमें यहाँ पर जो है बुक हो चुके और अभी भी जो है लगातार बुकिंग यहाँ पर आ रही है। हालांकि जिस तरह की भीड़ जो है मनाली में उभरी तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें भी जो खासी दिक्कतों यहाँ पर जो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे और काफी हुजूम जो पर्यटकों के यहाँ पर उमड़ा है तो ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या भी जो है यहाँ पर जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो है ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए यहाँ पर जो है ड्रोन कैमरों का भी जो सहारा लिया जा रहा है और इसके साथ ही जो है अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी यहाँ पर जो है तैनात कर दी गई। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे, जिसका एक ड्रोन वीडियो भी सामने आया। वीडियो में लाहौल स्पीति में भारी जैम लगा हुआ दिखाई दिया और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कानून और व्यवस्था की स्थिति का ध्यान रखने और क्षेत्र में पर्यटकों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लाहौल और स्पीति पुलिस द्वारा ड्रोन निगरानी हो रही है। मनाली रोहतांग नेशनल हाईवे पर भी गाड़ियां रेंगती नजर आई। वहीं अटल टनल की ओर जाने वाली सड़क भी कारों से भरी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए लाहौल स्पीति में, जहां तक नजर जा रही है लंबा जैम है, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लोग परेशान हुए हैं क्योंकि वीकेंड होने की वजह से काफी सारे लोग हिमाचल पहुंच रहे हैं। लाहौल स्पीति में आप देखिए कि कैसे लोगों को रात तक सड़क पर ही गुजारनी पड़ी।